नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिप्रेशन, उदासी। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि डिप्रेशन होता क्या है, उदासी होता क्या है, तो इन दोनों चीजों को जानेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं यहां पर कि उदासी जो होती है, जो जिंदगी में सैडनेस आ जाता है, उसको लोग डिप्रेशन समझ बैठते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूं कि सैडनेस, उदासी जिसका हिंदी होता है वो, और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। तो इसको मैं आज क्लियर कर देने वाला हूं। साथ ही इसमें हम लोग जानेंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या है, इसके कॉजेज भी होंगे, और इसके साथ हम लोग जानेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या है। अगर आपके दोस्त, आपका कोई स्टूडेंट, आपके बच्चे अगर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कैसे पता करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में जानेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। और हमेशा की तरह अंत में हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन में अगर कोई चला जाए तो उसका उपचार क्या है, कैसे उस चीज पे उसको निकाल सके हम लोग, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं उदासी को, डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन का हिंदी निकालेंगे हम लोग तो उदासी मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिक्शनरी में आप लोग सर्च कीजिएगा तो उदासी मिल जाएगा। तो डिप्रेशन को समझते हैं। देखिए दोनों है एक ही चीज, आपको मैं क्लियर कर दूंगा आगे। पहले समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। अगर सामान्य शब्दों में कहूं कि डिप्रेशन होता क्या है, तो अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी में, देखिए कोई व्यक्ति है जो अपने जिंदगी में जब व्यतीत कर रहा होता तो उस टाइम पे कुछ ऐसा पल आ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा समय आ जाता है उसके जिंदगी में जब वह निष्क्रिय हो जाता है, मतलब किसी भी कार्य में रुचि नहीं ले रहा है, वह किसी भी कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं है। जैसे कि अगर कहीं घूमने जाना तो उसके लिए कोई उत्साह है ही नहीं उसके अंदर। उसका जो इंटरेस्ट है मूवी देखना या फिर कुछ भी करना, गर्लफ्रेंड से बात करना, कुछ भी हो सकता है, आजकल बहुत लोग का इंटरेस्ट है, तो कुछ भी कार्यों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है। ये सब समझते जाइएगा, जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा, उसको मरने का मन कर रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाता है मनुष्य के जिंदगी में तो उसको बोलते हैं उदासी, या डिप्रेशन बोलते हैं उसको, कि अब वो डिप्रेस हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं वो लड़का ना डिप्रेशन में चला गया, वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। तो तब क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके जिंदगी में निरस्तता आ जाती है, किसी भी कार्य के लिए वो रुचि नहीं रहता, सारे काम करना छोड़ देता है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कुछ नहीं करेगा। तब बोलते हैं उसको कि डिप्रेशन में, ये लड़का ना पूरा डिप्रेशन में चला गया है। अब हम लोग समझते हैं और अच्छी तरीके से कि डिप्रेशन और उदासी दोनों में अंतर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए डिप्रेशन का जो डिप्रेशन, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसके पहले उसको उसमें उदासी आ जाती है, ठीक है। उदासी क्या है, देखिए सैड जो होता है ना, जिसको सैड बोलते हैं कि आज सैड लग रहा है हमको, मतलब उदास लग रहा है। तो जब किसी कार्य को करने जाते हैं आप, उसमें वो सफलता नहीं मिलती है या कुछ भी हो सकता है, या फिर मूड स्विंग कर गया, तो जिसके कारण से उदास रहते हैं। अब ये उदास रहे, कोई व्यक्ति है मान लीजिए कि आज ये वह उदास है, ठीक है। अब वो उदास है, आज एक दिन उदास है, दूसरा दिन उदास है, तीसरा दिन उदास है, जब ये बढ़ता जाता है तब कहलाता है डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, जब वो लगातार उदास में है, मतलब उदास रह रहा लगातार कई एक दिन तक रहा, तब उसको बोलते हैं कि वो लड़का डिप्रेशन में तब चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम रहा, एक घंटे के लिए उदास रहा, दो दिन के लिए रहा, या फिर तीन दिन के लिए रहा, तो इस तरह से जो उदास रहते हैं, मतलब कि क्षणिक समय के लिए, तब उसको बोलते हैं उदासीनता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सैडनेस। डिप्रेशन नहीं है वो, ध्यान दीजिएगा, वो डिप्रेशन नहीं है। हम लोग गलतियां कर बैठते हैं कि उसको डिप्रेशन समझ लेते हैं, तो वो डिप्रेशन नहीं है बंधु, एक चीज का ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं डिप्रेशन होता क्या है। तो जब ये लगातार रहता है, उदासीनता बहुत ज्यादा लगी रहती है, तकरीबन हफ्ता दिन या फिर दो हफ्ता तीन हफ्ता तक रह जाता है, तब उसको बोलते हैं कि डिप्रेशन हो चुका है उसको, तब वो डिप्रेस्ड हो चुका है, तब उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो फिर अपना ट्रीटमेंट कराए डॉक्टर के पास जाकर के, उसका कुछ नहीं हो सकता फिर। हाँ, अगर बंदा समझदार है तो हो सकता है। चलिए एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, समझते हैं अच्छे से। हाँ, एक लड़का है ये, ठीक है, एक लड़का लोग को बहुत धोए हैं, आज इसको लड़की बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम है मंगरी,
क्या नाम है इसका? मंगरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कभी, एग्जाम वगैरह में कुछ नहीं पूछेगा, समझने के लिए बता रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम है मंगरी, ठीक है। ये लड़की लोग का, लड़की लोग का जान में करते एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा, तो ये एक हाई क्लास लड़का वाला को, मतलब एक अच्छा ढंग का जो दिख रहा है स्मार्ट लड़का, जैसे मेरे जैसा, ज्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है किसी और के जैसा ही है, ठीक है। तो उसको पसंद करती है, ज्यादा स्मार्ट है लड़की से, ज्यादा स्मार्ट है, इसको पसंद करती है। लेकिन ये लड़का क्या करता है ना, इसको इसको बोल देता है कि नहीं हम तुमको पसंद नहीं करते। ये अपनी प्यार की पटरी, ये प्यार की गाड़ी को अपनी पटरी से आगे बढ़ा रही थी, ये लड़का बोल दिया ना 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 ना, इधर इधर नो एंट्री, एकदम साफ मना कर दिया ये, क्योंकि इसको थोड़ा और ढंग की मिल सकती है, इसको मना कर देता है। अब ये लड़की क्या करती है, समझ जाती है, करे ऊपर वाले से निकाम चलेगा, थोड़ा लेबल वाला लड़का को पटाते हैं। तो ये क्या करती है ना कि थोड़ा अपना लेबल वाला लड़का को, मतलब जो अपने लेबल का है फिर थोड़ा नीचे है, उसको उसको उसके ऊपर ट्राई मारती है। तो ये लड़का फिर हाँ बोल देता है, ठीक है। अब जब ये हाँ बोल देता है, इस दोनों में के बीच में लव, ये काम शुरुआत हो जाता है, समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अब क्या होता है कि ये जो लड़का है इसको इससे बेटर लड़की मिल जाती है, मतलब कि जो ये जो लड़की है इससे भी बढ़िया लड़की मिल जाती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे भी बेटर लड़की इसको मिल जाती है। अब ये लड़का सोचता है यार क्यों इसके साथ में जिंदगी व्यतीत करो जब इससे बेटर मिल रही है, हो सकता है इसके कास्ट वाली मिल गई होगी या इससे ज्यादा खूबसूरत मिल गई हो। जब इसको बेटर मिल जाती है तो इसको क्या करता है ना, इसके लव को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, यहाँ पे खत्म कर देता है, और ये बंदा ना इसके साथ लव कर बैठता है। ये आजकल बहुत चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा नहीं तो फंस जाइएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम क्लियर बता रहे हैं आपको। कोई बोला क्या, अनुभव है सर को? अरे कुछ नहीं यार, दोस्त लोग भी बता देता है, उससे भी अनुभव प्राप्त होता, थोड़ी होता कि जब हम जा करके खुद से करेंगे तभी अनुभव होगा, दो यार, ठीक है। तो इसको इससे प्यार हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अब इससे इसको प्यार हो गया, इसको इसका चैप्टर क्लोज कर दिया। अब ये बंदी जो है ना मंगरी, जिसका नाम था मंगरी, ये उदास हो जाती है। क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। एक दिन के लिए उदास है, दो दिन के लिए उदास है। अब इसकी ये उदास है, इसका खबर इस लड़का को मिल जाता है जिसको पहले पसंद करती थी, इसको मिल जाता है। अब ये लड़का क्या करता है ना कि इससे वापस कॉन्टेक्ट करता है, बोलता है चलो तुमसे हम बात करते हैं, और बात करता है, पूछता है प्यार से कि क्या हुआ, क्यों तुम उदास हो, क्या तकलीफ है तुमको। तब ये लड़की को थोड़ा सा आ जाता है ठिकाने, बोले रे ये तो वही लड़का है ना जिसको हम पसंद किया करते थे, स्मार्ट वाला लड़का। तो जब इसको लगता है कि ये लड़का मेरे को प्रपोजल दे रहा है, तब ये उदासीनता जो इसका है वो खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये उदासीनता है वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि जब इससे बात करेगी तो ये उदासीनता इसकी खत्म हो जाएगी, ये हैप्पी हो जाएगी, और इसका उदासीनता खत्म। तो इसको बोलते हैं उदासीनता, मतलब कि ये क्षणिक समय के लिए था, लेकिन अगर ये इसका प्रपोजल आने के बाद भी इसकी उदासीनता नहीं खत्म हो रही, ये उदास नहीं, इसकी उदासीनता जो है वो उदास तब भी है, इसको बोलते हैं हम लोग कि मान लो कि तरस आ गया, चलो बोल देते हैं अरे यार कहाँ पे हो, चलो आज तुमको पार्टी देते हैं, तुमको लड़कियों को तो शॉपिंग पसंद है, इसको बोल दे कि चलो तुमको शॉपिंग कराते हैं, फिर भी ये लड़की इंटरेस्ट नहीं ली, शॉपिंग का नाम लिए, पार्टी दे रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, कोई रुचि नहीं ले रही, तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये लड़की तब डिप्रेशन में चली गई। किस में चली गई? तब डिप्रेशन में चली गई। अब समझ गए, मतलब कि पूरी तरह से कितना भी आप ऑफर दे लो कोई एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तब वो डिप्रेशन में चली गई है। और अगर कुछ मिल गया वैसा मोमेंट, जैसे कि मैं उदास हूँ, घर पे बैठा था, साइड साइड फील हो रहा था हमको, घर से मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने कुछ अच्छी न्यूज़ बता दी कि मान लो कि आपकी शादी सेट हो गई, शादी नहीं, शादी में तो और आदमी उदास हो जाता है, हो सकता है कि किसी और की खबर मिल गई, कुछ अच्छी खबर मिल गई, तो उसके बाद आप खुश हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या कि फिर जो सैडनेस हम फील कर रहे थे वो खत्म हो जाता है, उदासीनता खत्म हो जाती है, और उदासीनता खत्म हो जाती है, और फिर हम लोग हैप्पी लाइफ को लीड करते हैं। तो वो सैडनेस था हमारा, डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन बहुत लंबा टाइम पेयर होने के बाद, लंबा टाइम तक जब उदास होते हैं तब उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अब आप समझ गए होंगे कि डिप्रेशन और उदासीनता में क्या फर्क है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डिप्रेशन के कारण कौन कौन से होते हैं, क्या कारण है जिसके कारण से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहला आता है असफलता। देखिए फेलियर, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार फेलियर आता है, बार बार वो असफलता हो जाता है, जब किसी भी कार्य को करना चाहता है लेकिन वो असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह उदासीनता का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा है प्रिय व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपका अपना है, इंग्लिश में बात करेंगे तो चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लविंग वंस,
जब आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव है आपका, बहुत ज्यादा प्यार है, और उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है, तब आपको, तब हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वो लड़की वाला ना, अब वो लड़की जिससे प्यार करती थी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वो लड़का किसी और को चाहने लगा, तो जैसे व्यवहार में परिवर्तन आता है वैसे ही डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। वो हो सकता है कि वह आपका प्यार हो सकता है किसी के साथ जो आजकल नौयुवक करते हैं, वो प्यार हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और पापा ने किसी दिन डांट लगा दी, उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन दिखा तो आप करके रोने लगे, तो उदासीनता वहां से शुरुआत हो जाती है। तीसरा है रिश्ता टूट जाना, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप, रिश्ता टूट जाना। जब किसी के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता था, कोई दोस्त आपका हो सकता है या फिर बॉस आपका हो सकता है, बहुत अच्छा आपका रिश्ता बना हुआ था पहले से, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से या फिर किसी गलतफहमी के शिकार के कारण से आपका रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर आपका दोस्त डिप्रेशन में जा सकता है। फोर्थ नंबर है प्रिय व्यक्ति को खोना, लॉस द लव्ड वंस। किसी प्रिय व्यक्ति से आपका बहुत ज़्यादा लगाव था और आप उस व्यक्ति को खो देते हैं, खो देने का इन द सेंस कहने का मतलब मेरा है कि उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो आपसे बहुत दूर चले जाते हैं, हो सकता है आपका डिवोर्स, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं मम्मी पापा का अपना झगड़ा है, ठीक है, मम्मी पापा के झगड़े के कारण से मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है, वो पापा से दूर हो जाते हैं या फिर मम्मी से जब दूर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसा काम आप ना करें, तो आपके बच्चे को, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर कम से कम ये सब काम ना करें। तो किसी प्रिय व्यक्ति का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी से लगाव था और उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर भगवान जी को अच्छे लोगों की ज़रूरत होती तो उनको वो बुला लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है वो व्यक्ति। अगला है स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम। कोई व्यक्ति को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जिसका हेल्थ इशू रहा होगा, बहुत ज़्यादा तबीयत जिसका ख़राब रहता होगा, तो वो जब बहुत दिनों तक वो झेलता है या हो सकता है कि वो 6 महीने से साल भर से एक बेड पे पड़ा हुआ और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो खुद को यही कहता है कि भगवान अब उठा लो हमको, हमको यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वो जो बेड पर पड़ा हुआ उससे वो तंग आ चुका है, अब उसको लगता है कि यार हमको या तो दुनिया देखने दो या तो फिर हमको उठा लो, क्योंकि बेड पर वो पड़ा नहीं रह सकता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल इशू। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत से क्या अधिकांश लोग बोल सकते हैं, आज के जितने भी नौयुवक लोग हैं वो सब यही कारणों से, इन्हीं सब कारणों के कारण से परेशान है, रिश्तेदार अलग परेशान कर रहे हैं, आर्थिक तंगी अलग पड़ी हुई है, जॉब मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, असफलताएं का शिकार होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये आर्थिक तंगी भी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है लेकिन उसके पास पैसा अवेलेबल होता ही नहीं है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इशू हमेशा से रहा है, तो वो परेशान नहीं हो जाएगा कि यार कभी तो आ जाए पैसे मेरे पास, लेकिन आता है तो चलता टिकता नहीं, वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, मेडिकल को देना, डॉक्टर साहब को फी पे करना है, तो राशन वाले को देना, इधर करना उधर करना, मतलब पैसा है ही नहीं, आर्थिक तंगी से वो बेचारा जूझ रहा है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो ये थे कारण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। अगर आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका स्टूडेंट या आपके बच्चे अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आप कैसे पहचान सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, इससे आप पता कर सकते हैं। पहला है मित्रों से विमुख होना, स्टेइंग अवे फ्रॉम फ्रेंड्स। जो दोस्त लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपने दोस्त होते हैं और वो दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो दोस्तों के साथ रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो दोस्तों से अलग रहना पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वह आपका बच्चा उदासीनता का शिकार हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुका है। अगला है रुचिहीन, अनइंटरेस्टेड होना किसी भी कार्य में। मैंने पहले बताया था कि उदासीनता का, डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनइंटरेस्टेड होना, किसी भी कार्य में वो रुचि लेगा ही नहीं, ये सबसे पहला लक्षण होता है और सबसे प्रमुख होता है। नेक्स्ट है उदास, शक्तिहीन एवं प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उदासीनता का शिकार हो जाता है, वह उस व्यक्ति में उत्साह बिल्कुल नहीं रहेगा,
शक्ति स्ट्रेंथ जो उसमें काम करने की कैपेसिटी होती है, सहनशीलता की जो कैपेसिटी, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और प्रेरणा, जरा सा भी मोटिवेट नहीं रहेगा, उसको लगता है कि बस खत्म हो चुका है जिंदगी, जरा सा भी उसमें प्रेरणा नहीं रहेगा, एक जरा सा भी नहीं, मोटिवेशन नाम का कुछ चीज नहीं रहेगा। तो वह व्यक्ति को हम समझ सकते हैं कि उसमें डिप्रेशन, वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान में कमी, लैक इन सेल्फ एस्टीम। जो उसका आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम होता है हर एक व्यक्ति का, वह उसमें कमी आ जाना, यह भी एक लक्षण है उदासीनता का। अगला है एकाग्रता में कमी, लैक इन कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, एकाग्र मन से हम लोग जो किसी काम को कर सकते हैं, तो वो एकाग्रता खत्म हो जाती है। जैसे कि आप किसी कार्य को करते हैं लेकिन आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, होता है, लेकिन आप फिर से कंसंट्रेशन उसके ऊपर कर सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेशन का शिकार रहेंगे तो आप किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ नहीं कर सकते हैं, ये परेशानी है। नेक्स्ट है विस्मरण में वृद्धि, इंक्रीज इन ओबिवियन। जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है उसमें विस्मरण शक्ति जो होता है, किसी भी चीज को याद करने की जो कैपेसिटी होती है, वह धीरे धीरे खत्म होते जाती है। मतलब कि विस्मरण में वृद्धि होती है, वो चीजों को भूलने लगता है, उनको याद नहीं रहती किसी भी चीज को। वो अगर क्या खाना है, क्या सोना है, कौन अपने कौन पराए हैं, क्या करना चाहिए था हमको, सारी चीजों को वो धीरे धीरे भूलने लगता है। तो उसको बोलते हैं विस्मरण में वृद्धि हो जाना, और वह एक डिप्रेशन का लक्षण है। नेक्स्ट है भोजन और निद्रा की आदतों में परिवर्तन, चेंजिंग इन द बिहेवियर ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग। जो उसका सोने का, खाने का जो निर्धारित समय हुआ करता था, उसमें परिवर्तन हो जाना, उसकी आदतों में परिवर्तन हो जाना। कई बार देखा गया कि जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वह बहुत अधिक खाने लगता है, या फिर खाना से परहेज कर लेता है, खाना खाएगा ही नहीं, उसको कितना भी मतलब जबरदस्ती कर लो लेकिन खाएगा नहीं, या खाएगा तो सिर्फ इतना खाना खाएगा जिससे वह जिंदा रह सकता है, इससे ज्यादा खाना ही नहीं खाएगा। सोने की बात करते हैं तो कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि डिप्रेशन में बस सोए रहते हैं, बस लेटे रहना है, कुछ नहीं करना, बस उसको सोए रहना चुपचाप से। और ऐसा नहीं कि नींद से सोते हैं, बस लेटे रहते हैं पूरे नींद से, मतलब दिमाग में कुछ अलग चलते रहता है कि सोसाइटी मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचती है, तो भगवान जी ने ऐसा साथ मेरे साथ क्यों किया, ऊपर वाले को नजर नहीं आ रही है, ऊपर वाले से लेकर के समाज वाले, माँ पिताजी सब मेरे ऊपर ही क्यों बरस पड़ते हैं, ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल चलते रहता है, जो कि बिल्कुल नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये है डिप्रेशन के लक्षण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं बोलना भूल जाता हूं, तो आप अपने समय के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए सबसे पहले प्रभाव पर बात करते हैं। पहला जो प्रभाव है वह नशीली पदार्थों का सेवन करना, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स। जो नशीली पदार्थ होते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, उसका सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन से निकलने के लिए उनको लगता है कि यार कितना दिन तक डिप्रेशन में रहें, तो फिर वो आराम से जाते हैं, बोतल उठा के लाते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, या तो फिर दोस्त लोग आते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं कि यार क्या यार चिल करते, चलो आज पार्टी करते, उसके बाद पीना प्रारंभ। तो पहला जो होता है वो होता है। दूसरा होता है जब जो सीवियर केस होता है, उसमें ये देखा गया है कि आत्महत्या का प्रयास करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि बस अब अपने आप को समाप्त ही कर देना है। थर्ड है अधिक क्रोध करना, एक्सेसिव एंग्री। बहुत ज्यादा वो क्रोध करते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा भी कुछ बोल देना उसको तो ऐसा लगेगा कि बस पहाड़ ही टूट गया है, तो एक्सेसिव वो एंग्री उनके अंदर पनप जाता है। फोर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस इन बिहेवियर। जो उसका व्यवहार होता है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जो उसका मतलब मान लीजिए कि वह व्यक्ति पहले क्या था, बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा तो शांत स्वभाव नहीं रहेगा। हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो जाने के बाद पूरी तरह से वो आध्यात्मिकता से हट जाता है, या हो सकता है कि आध्यात्मिक ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो उसका अपना व्यवहार होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो मूल व्यवहार होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। फिफ्थ नंबर है रिश्ता तोड़ लेना, ब्रेक रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होते हैं, जिसके साथ भी उसका रिलेशनशिप होता है, हो सकता है दोस्त के साथ उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, या तो फिर हो सकता है कि उसकी कोई फ्रेंड होंगे, माँ पिताजी होते, तो उन लोगों के साथ देखा गया कि पर्टिकुलर किसी के साथ वो रिश्ता तोड़ लेते हैं, मतलब जिनके साथ वो कंफर्ट फील नहीं करते उनके साथ रिश्ता अपना रखते नहीं, तो ये डिप्रेशन के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है
काम में रुकावट, स्टॉपेज इन द वर्क, जो उनका काम होता है, हो सकता है कि वो पढ़ने का काम करते हैं तो अपना पढ़ाई को स्टॉपेज कर देंगे, हो सकता है कि वो किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो ऑफिस जाना बंद कर देंगे, मतलब जो वो काम करते हैं उस काम में रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे इसके प्रभाव जो हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और अब जानेंगे कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो उसको कैसे वहां से निकाले, या खुद हम डिप्रेस हो जाते हैं या उदासीनता की स्थिति में हो जाते हैं तो खुद को वहां से कैसे निकाले, इस पर बात होगी। तो उपचार इसको कहेंगे, और पहला जो उपचार है वह है परिवार के साथ समय व्यतीत करें, एक्सपेंड टाइम विथ फैमिली। जो आपका समय है वो अकेले में व्यतीत ना करें, जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वाले के साथ समय व्यतीत करें तो आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, जल्द ही आपकी उदासीनता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यायाम और ध्यान करें, टू डू एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन अक्सर बोला जाता है कि जब डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं तो उसमें मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एवरीडे करना चाहिए। अगर हर इंसान एवरीडे एक्सरसाइज कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो संभवतः यह माना जाता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता है। तो आप इसको अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए और इसको करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है प्रकृति का आनंद ले, इंजॉय द नेचर। नेचर का एंजॉय करना अपने आप में बहुत खुशनुमा पल होता है इंसान के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भौतिकवादी सुख है उसको छोड़िए, एसी का हवा छोड़ दीजिए, आप बाहर निकल करके प्रकृति का आनंद लीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, आपका डिप्रेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा। प्रकृति को देखते के साथ आपको लगेगा कि वाह क्या ये जिंदगी है यार, कभी इसको भी एंजॉय कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, कभी धोखा नहीं देगी। नेक्स्ट है जो अच्छा लगे वह कार्य करें, टेक इंटरेस्टेड इन द डिजायर वर्क। जो आपको काम करना अच्छा लगता है, जैसे कि हो सकता है कि आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है, जिस कार्य में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, उस कार्य को करें। बस ऐसे ही बेड पे पड़े रहने से या फिर ये सोचने से कि यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं उदास हूँ, मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे समाज वालों ने ऐसा क्यों किया, उसको समझ में नहीं आती मेरी फीलिंग्स, उसको क्यों नहीं समझ में आती, तो ऐसा सोचने से बंधु कुछ नहीं होने वाला है। वहां से निकलो दोस्त, और जो आपको जिस काम में रुचि है, जिस कार्य में आपको करना, जिस कार्य को करना आपको अच्छा लगता है, उस कार्य पे अपना ध्यान लगाइए। नेक्स्ट है खुशनुमा माहौल में रहें, लिव इन द हैप्पीनेस एनवायरमेंट। जो जिस एनवायरमेंट में आप है उस एनवायरमेंट में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर क्या होता है ना कि जब हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, उदासीनता वाला गाना लगा देंगे, सैड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं ना। जब आप सोच के देखो यार कि जब ऑलरेडी अब तुम डिप्रेस हो, ठीक है, अब तुम ऐसे में और उदासीनता वाला गाना लगा दोगे, बेवफाई गाना, कोई लड़की छोड़ के चलेगी और फिर से बेवफाई वाला गाना बजा करके सुन रहे हो, तो भाई कहाँ से निकलोगे डिप्रेशन से यार, कोई नहीं निकाल सकता है तुमको ऐसे में। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको खुशनुमा माहौल, जो खुशनुमा माहौल होता है उस माहौल में आप जिए, उस माहौल में आप रहे, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और बीएड वालों आप लोगों के लिए नोटिस है कि भैया आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और आप अच्छे से पढ़ाई करो, और जिनके लिए जरूरी है वो लोग भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बीएड वाले ही। और आप लोगों ने आई थिंक बहुत कुछ सीखा होगा इसे, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।